धर्म था पुत्री को पूजन की विधि बतला करके पूर्ण पूजन करवा करके आने का। लेकिन लीलावती पति के पास गई तो कलावती भी प्रसादम चा परित्यज गता सायपि पति प्रति। कलावती भी पति के पास गई प्रसाद छोड़कर, भगवान रुष्ट हो गए। और भगवान रुष्ट भए तो उसी समय कलावती के पति को भगवान ने नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती रोने लगी कि कुछ देर पहले तक हमारा पति दिख रहा था, अब पति अदृश्य हो गया। सभी विलाप करने लगे और कलावती रोते हुए कहने लगी, हे भगवान, हमने आपका क्या बिगाड़ा, हमें माफ करो, क्या त्रुटि हुई जो इस प्रकार से हमारे पति को नष्ट कर दिया। रोने लगी कलावती, देखो पति बिन सोनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना, दो मुक्ति के मांग घर बिन लूना। स्त्री कितनी भी सुंदर हो पर मांगना भरी हो तो अच्छी नहीं दिखाई पड़ती। स्त्री का श्रृंगार है मांग से, मांग कहते हैं मस्तक के सिंदूर को। और आजकल को जो आगी को लगो, नए जमानों को फैशन आगी लगाएं। आजकल माताएं मांग तो भरती, हल्की सी धल लेती कि कोई चीन ना पाए कि जो प्लाट रजिस्ट्रिक रहता है। हाँ, एक बार हम पूछ रहे थे एक जनन से, हम की काय भैया हमारी जो समझ में, हमारी हमने अपनी माता जी को देखा है, हमारी माता जी यहाँ तो विराजमान है, माता जी हमारी एकदम लंबी मांग भरती हैं। और माता जी की एक आदत और हमने देखी, माता जी स्नान आदि से निवृत्त होंगी तो सबसे पहले मांग भरेंगी, बाद में कोई काम, सुनी मांग नहीं। और सुहागनी स्त्रियों का धर्म है मांग को सुना नहीं रखना चाहिए। स्नान आदि से अगर धुल भी जाए तो तत्क्षण, पहले बाद में श्रृंगार, पहले मांग भरनी चाहिए, ये धर्म कहता है। तो हमने देखो आंखा, अब हम तो गांव के आदमी, गांव में तो लालटेन लंबी लंबी लगाई जा, दद्दा संग्रह की लगाई जा, हमने तो गांव के आदमी हमने देखो। लेकिन आजकल हम कछु दिन में शहर में जा रहे, दिल्ली बंबई घूम रहे, चकाचक चील गाड़ी पे, हाँ जाओ चील गाड़ी पे टंग जाई सो चले जाई थे, हवाई जहाज चील गाड़ी ये कहो जात बुंदेली में, आओ आओ एयरपोर्ट है कहो जात चील फर, आओ आओ। तो हम चील गाड़ी पे टंग टंग के पहुंच जाई ना है मान, ओ गए उतरे शहर में तो हमने विचित्र औरतें देख ली। अब बुराई नहीं करने, नहीं तो कौनों ने केस कर दे, अब आफत बुराई। तो हमारा मतलब जो कछु बाई हरे इतनी सी और बारन में बा ऐसी छिपा ले है कि हाँ जो प्लाट तो रजिस्ट्री है ही नहीं है। हमने एक जन पे पूछी, एक लड़का पे उचेला है तो हमारा, हमने कही काय बेटा हमें एक चीज समझ में नहीं आई, ऊ कर तू दुकान खोले सजवे की, का कहा पार्लर आओ सजवे को पार्लर खोले उचेला हमारो। हमने हुए बोला हम कि ये तो यार हाँ कि जो बता कि जी कछु लुगाई आज की जो जी नए जमाने की भाई जी जींस पेंट बारी मताई हाउ जींस पेंट आज जो और हद बात साड़ी छूट गई। भगवान बचाए हाउ, अब भगवान बचाए हमें तो जो अच्छा एक दिन हम ही पे भी मंथन करा था। लो तुम्हें सुन के बड़ो लगने कथा तो अब होने ही है, सत्यनारायण हो नहीं है, अब आ गई ध्यान तो सुनो। एक में महाराज जी हम जो सोचे छोटे में हम बचपन में हल्के थे, माता जी बैठी से ध्यान है, जैसे सुबह से चाय वाय पीने उठो तो मुंह धो लेते, मुंह धोते तो कपड़ा नहीं मिलता तो माता जी की साड़ी के पल्लू में हम मुंह पहुंचत रहे। अबे अबे तक दो तीन चार साल पहले या छोड़ो जब ज्यादा ही बड़े हो गए। आओ आओ तो माता जी की साड़ी के पल्लू में हम मुंह पहुंचत रहे। सत्य घटना बता, व्यासपीठ पे अब झूठ का बोल भी हकीकत बता रहे। हम एक दिन जो मंथन करते रहे जी जींस पेंट पहन दी बाई हरे इनके लड़का बारी मौके से पहुंचे। बताओ इनमें आग ही लगे। आओ, आओ, अब बाई पहने जींस को पेंट चूड़ीदार, कई को कई फलाने की लुगाई चली जा, हद तो तब हो गई, बोले फलाने की मताई आई, हम कही जब मताई फिर रही, हमें तो बिटिया सी लग रही। बताओ अब उनके बाल बच्चे माँ की जो आंचल होता है पल्लू होता है उसकी छाया कैसे पाएंगे। हम प्रार्थना करें भारतीय नारियों का श्रृंगार है साड़ी, हाँ इसको मत छोड़ो।
भारतीय नारियों का श्रृंगार है साड़ी, साड़ी पहन करके माताएं रहें। हम कहते घर में चाहे जैसी रहो पर बाहर निकलो पूजा पाठ में बैठो तो धोती साड़ी पहन करके, माताओं का श्रृंगार साड़ी और मांग है। मांग में क्या शर्म, मांग हो तो मांग हो पति के लिए है, है? और मांग का मतलब है परमात्मा से मांग के हमारा सुहाग सदा अमर रहे। मांग का अर्थ है जो मांग भरना, मांग का अर्थ है परमात्मा से मांग, मांग हमारी मांग यही है कि हमारा सुहाग मांग के बल पर अमर रहे है? लेकिन अब बे आगे, अच्छा अब वो सिंदूर नहीं भरती यहां, अब भाई आगे लगी भाई एक बता उतरो हमें विस्तार से, लड़का उनको का नाम रोशन, रोशन नाम है उनको, तेरा भोपाल में मेकअप को काम करत पार्लर को, वो बताओ तो बोले मांग में महाराज अब सिंदूर बंद हो गो। अब आगे लगी भाई इतनी लंबी लंबी सी चली नकरिया सी, हाओ उसे ऐसी बिंदी ढल रही हो झंझट खत्म। और वे भी क्या करती भी बारन में ऐसी बार कर लेती कि दिखाए ना। हाओ मैं प्रार्थना करूं भारतीय नारियों से अपने पति के सुहाग को दिखाने में क्या शर्म, तुम बेशरम हो अगर अपने पति का सुहाग नहीं दिखा रहे। मंगलसूत्र और मांग बड़ी होनी चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं, इसमें कोई शर्म नहीं।